हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अमित अशोक पवार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मेक माय टिप्स में। दोस्तों आज के सेशन में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन में बैंक निफ्टी ऑप्शंस में हम कैसे काम कर सकते हैं, वो भी सिंपल प्राइस एक्शन के जरिए। वहाँ पर आपको कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मतलब फॉर्मूला लगाने की। तो स्टे ट्यून और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। आगे जाने से पहले दोस्तों, अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस की लिंक या फिर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। एज वेल एज मैंने प्रीवियसली कई सारे स्ट्रेटेजीज यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर कर रखी है, आप वो वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्ट्रेटेजी लर्निंग सेशन को। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ऑप्शन था जो हमने 88 रुपीस पे सेल किया था, वो अभी 3 रुपीस के नीचे आ चुका है और ऑलमोस्ट अभी 2:30 हो रहा है और एक घंटा बाकी है मार्केट खत्म होने को। तो दो पॉइंट्स के लिए एक घंटा रुकना कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट सभी बुक कर लेंगे और मैं यहाँ पे अभी अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये मैंने एग्जिट पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, और MIS ऑर्डर था हमारा ये 250, मार्केट रेट पर हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अपना ऑर्डर जो हमने प्लेस किया था वो 2.50 में हमारा सेल हो चुका है और हमने अभी इस वाली ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बुक किया है 21,375 रुपए का। दोस्तों
आज सबसे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी दोस्तों, और मार्केट ओपन हुई थी कहीं पे इस वाली कैंडल पे, जो कि ओपन इज इक्वल टू हाई था बैंक निफ्टी फ्यूचर का। ठीक है, ओपन इज इक्वल टू हाई जब भी रहता है तो इसके हाई चांसेस रहते कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन वैसे हुआ नहीं। जब भी मतलब अगली कैंडल में मार्केट नीचे आई, नीचे से उसको रिजेक्शन मिली थी, उसके बाद रिजेक्शन मिली थी, उसके बाद ऐसे, तो अगली वाली कैंडल में मतलब 10:20 में, मतलब एक घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने उसका ओपन इज इक्वल टू हाई जो बनाया था सुबह का वो तोड़ दिया था। इसका मतलब मार्केट ने ये तो कंफर्म कर दिया था कि अभी उसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। ठीक है, सो मैं पहले प्लान कर रहा था कि मैं कुछ पुट सेल करूँगा, लेकिन उसके बाद मैंने इंतज़ार किया क्योंकि आरबीआई की आज पॉलिसी आने वाली थी और वो अपने हाथ में नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इंतज़ार किया 12 बजने तक का। 12 बजे जैसे ही पॉलिसी आई, उस वक्त पॉलिसी का जो आउटकम आया था वो था रेपो रेट अनचेंज हो चुके थे। इसका मतलब ना ये पॉजिटिव ना ये निगेटिव था, तो मार्केट में ज़्यादा रैली आने की संभावना या फिर ज़्यादा नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम थी। फिर मैंने यहाँ पे नोटिस भी किया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में ये एक एरिया बना के रखा हुआ है, जो कि एक रेक्टेंगल एरिया है, एक रेंज बना के रखी हुई है। अगर आप इसको देखोगे, देखो यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ पे उसको रेसिस्टेंस मिला था, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर रेसिस्टेंस लिया था, फिर नीचे सपोर्ट, फिर एक बार यहाँ पे कोशिश करी थी, फिर से पॉलिसी आने के बाद वो नीचे गया था एग्जैक्टली। लेकिन मैंने कैंडल क्लोज होने तक का यहाँ पे इंतजार किया था, और इसने कैंडल जो क्लोज करी थी वो इस रेक्टेंगल के अंदर कैंडल क्लोज की थी, और हर टाइम की तरह यहाँ से जैसे नीचे रिजेक्शन आई थी, यहाँ पे रिजेक्शन आई थी, यहाँ पे रिजेक्शन आई थी, उसी तरह से रिजेक्शन यहाँ पे आई थी। ये सेकंड कन्फर्मेशन था कि उसको अभी और नीचे नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन ये तो बात हुई नीचे वाली साइड की। मैंने ऊपर वाले कॉल क्यों सेल किए थे, अभी सिंपली वही एग्जांपल हम कॉल वाले साइड में देख लेते हैं। ये मेरे पास एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा था और मैंने सेल यहाँ पे किया था, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग 21,700 की कॉल, मैंने प्रेफर किया कि ये जो रेसिस्टेंस बन सकता है उसको मैंने सेल आउट किया था 21,900 की कॉल को 88 रुपीज़ पे। और एग्जैक्टली उसके बाद देखो मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई। अगर आपने थोड़ी देर पहले जो मतलब मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया मेरे ट्रेड का, उसमें आपने देखा भी रहेगा कि जैसे ही मैंने सेल किया था 88 रुपीज़ पे, तुरंत अगले वाली कैंडल में वो आधा हो चुका था, 40 रुपये तक आया था, जहाँ पे मुझे 10,000 का मुनाफा भी दिख रहा था। लेकिन वहीं पे आपका पेशेंस काम होता है। बहुत सारे अगर कोई नए ट्रेडर्स रहेंगे तो वो 10,000 देख के वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते थे दोस्तों, लेकिन मैंने वहाँ पे होल्ड करना पसंद किया। तो इस वाली कैंडल ने ऑलरेडी मेरा प्रीमियम भी डीके किया था और 15 मिनट का मेरा डीके का टाइम में भी मुझे मिल चुका था। उसके बाद फिर से एक छोटी सी रैली आई थी और एग्जैक्टली 21,900 तक यहाँ पे एक मतलब पिन बार जैसे उसने बनाया है, तो उसका भी मुझे बेनिफिट मिला। जब मार्केट यहाँ पे आई थी तो मैं सिर्फ 2,000 या फिर 2,500 तक के ही लॉस में गया था, क्योंकि तब तक टाइम ऑलरेडी डीके एक घंटे का हो चुका था, वो मुझे एक बेनिफिट मिला। तो इस तरह से स्मार्टली आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ फाइंड आउट करने हैं एक्सपायरी वाले दिन, और आप इजीली ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। अभी सिर्फ यही नहीं था, अगर इसी लाइन को आप पीछे भी लेके जाओगे तो देखो यहाँ पे भी आपको एक रेसिस्टेंस मिल सकता है, और मैंने 2:25 पे मेरी पोजीशन क्लोज कर दी थी 2.5 रुपये के आसपास, और अभी वो चल रही है 10 पैसे के आसपास। तो इतना सिंपल होता है दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन पे काम करना। अगर आपको कुछ भी मतलब इस पे डाउट्स हो कि मैंने मतलब सपोर्ट कैसे फाइंड आउट किए, रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किए, या फिर मैंने एंट्री या एग्जिट कैसे किए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर नीचे मेरा मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर जल्दी मुलाकात होगी और एक नए वीडियो में और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।